नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आदि शंकराचार्य जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र में कालड़ी नामक स्थान पर नंबूदरी ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। मात्र 32 वर्ष की उम्र में वे निर्वाण प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गए। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भारत भर का भ्रमण कर हिंदू समाज को एक सत्र में पिरोने के लिए चार मठों की स्थापना की। चार मठ के शंकराचार्य ही हिंदुओं के केंद्रीय आचार्य माने जाते हैं। इन्हीं के अधीन अन्य कई मठ हैं। चार प्रमुख मठ निम्न हैं: वेदांत ज्ञान मठ श्रृंगेरी दक्षिण भारत, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत, शारदा कालिका मठ द्वारका पश्चिमी भारत, ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम उत्तर भारत। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन माना जाता है। शंकराचार्य के गुरु दो थे, गुडपादाचार्य के वे प्रशिष्य और गोविंद पादाचार्य के वे शिष्य कहलाते थे। शंकराचार्य का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया, आत्मा की गति मोक्ष है। शंकराचार्य जी के चार शिष्य थे: पद्मपाद सनंदन, हस्तामलक, तीसरे मंडन मिश्र और चौथे तोटकाचार्य। माना जाता है कि उनके यह शिष्य चारों वर्णों से थे। शंकराचार्य जी ने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों स्तोत्र साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण बौद्ध तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यह सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। ये देखिए, ये बेल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।